हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टुडे इन दिस वीडियो वी हैव गोइंग टू डू जीके क्विज अबाउट चौहान डायनेस्टी तो इस वीडियो में हम चौहान डायनेस्टी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हु वाज द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी इट मीन्स चौहान साम्राज्य की स्थापना किसने की चौहान डायनेस्टी की स्थापना किसने की सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन बी शिवाजी ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज तो आपको बताना है कि कौन चौहान डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे राइट right आंसर इज ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं पृथ्वीराज चौहान क्वेश्चन नंबर टू हु पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक देन ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इज ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी क्वेश्चन नंबर थ्री हो रोड द फेमस बुक पृथ्वी पृथ्वीराज रासो ये जो एक, आ, पोयम है एक पोएम है पृथ्वीराज रासो तो ये पोएम किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था ऑप्शन तो ए राज ऑप्शन बी चंद्रदाई ऑप्शन सी अबुल फजल ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज तो किसने पृथ्वीराज रासो जो एक कविता की तरह लिखा गया है उसमें आपको चौहान डैलिस के बारे में जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित बहुत ही रोचक बातें और जाने योग्य बातें इस कविता के माध्यम से लिखा गया है तो इसे किसने लिखा था आपको बताना है यो राइट आंसर इज ऑप्शन बी चंदरदाई दाई ने जो है पृथ्वीराज रासो ये जो एक कविता जिसमें कि चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान उनके बारे में एक कविता के माध्यम से इसे सारा उनके बारे में वर्णन किया गया है उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर फोर हुउट पृथ्वीराज रासो तो इसका आंसर चंद्रदाई है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट वाज द नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान वाइफ तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था ऑप्शन ए रानी पद्मावती और ऑप्शन बी रानी समुक्ता ऑप्शन सी रानी गायत्री देवी ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज तो पृथ्वीराज जो चौहान थे उनकी पत्नी का नाम क्या था राइट आंसर इज ऑप्शन बी रानी सनमुक्ता सेमुक्ता क्वेश्चन नंबर सिक्स पृथ्वीराज चौहान बिलोंग फ्रॉम विच डायनेस्टी पृथ्वीराज चौहान जो थे वो किस uh, साम्राज्य uh, किस शासक uh, से संबंधित है कौन से शास uh, मतलब उनके डायनेस्टी जो कौन से साम्राज्य से सम सं, uh, मतलब संबंधित है ये ऑप्शन ए गुप्ता डायनेस्टी ऑप्शन बी मयू डायनेस्टी ऑप्शन सी कंसका डायनेस्टी ऑप्शन डी चौहान डायनेस्टी तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी चौहान डायनेस्टी चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं पृथ्वीराज चौहान क्वेश्चन नंबर सेवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर ऑफ इंडिया चौहान डायनेस्टी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे ऑप्शन ए पृथ्वीराज थ्री ऑप्शन बी पृथ्वीराज टू ऑप्शन सी पृथ्वीराज वन ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए पृथ्वीराज यी जो थे वो सबसे पावरफुल रूलर थे चौहान डायनेस्टी के क्वेश्चन नंबर एट व्हाट वाज़ द कैपिटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान किंगडम पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य का की राजधानी क्या था ऑप्शन ए राजस्थान ऑप्शन बी अजमेर ऑप्शन सी मेवाड़ देन ऑप्शन डी अवध तो जैसे प्रीवियस टाइम में अर्ली टाइम में क्या था कि जो शासक बनते थे जो रूलर आते थे वो अपना डायनेस्टी जैसे डायनेस्टी स्था, स्थापित करते थे साम्राज्य स्थापित करते थे तो अपने जो राज्य की जो राजधानी को अपने हिसाब से रखते थे तो उसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने भी किया था तो उन्होंने अपना जो है साम्राज्य की राजधानी कहाँ रखी थी ये आपको बताना है ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर अजमेर अजमेर की डेंसिटी की जो थी किंगडम uh, की जो राजधानी थी वो अजमेर थी जो कि राजस्थान में आता है क्वेश्चन नंबर नाइन पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन विच बैटल पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कौन सी लड़ाई में हारे थे तो ऑप्शन ए सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ऑप्शन बी बैटल ऑफ का ऑप्शन सी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन देन ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज तो कौन से जो लड़ाई कौन से बैटल में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था ये आपको बताना है राइट आंसर इज ऑप्शन सी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से से कौन से में हार गए थे क्वेश्चन नंबर टेन शब्द भेदी टेक्निक इन स्किल ऑफ आर्चरी मीन्स इट मीन्स शब्द भेदी तरीका का तरीका तिरं तरीका का तिरंदाजी की कला में क्या अर्थ है तिरंदाजी जो है एक स्किल है इसके इसके अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत आपको आता है शब्द भेदी ट्रिक तो शब्द वेदी ट्रिक जो है वो क्या है आपको बताना है ऑप्शन ए एमिंग द टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफ इट्स साउंड ऑप्शन बी एमिंग द टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मेल देन ऑप्शन सी एमिंग द टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस देन ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस शब्द वेदी जो ट्रिक है स्किल है जो शब्द वेदी टेक्निक के थ्रू जो uh, अलियल टाइम में ये जो बैटल होती थी लड़ाई होती थी तो उसमें अलग अलग ट्रिक से अपने योद्धा जो है लड़ाई करते थे तो इस टाइम में जो था चौहान डायनेस्टी इस टाइम में जो शब्द भेदी एक टेक्निक थी तो इस ये जो है वो आपको तीरंदाजी की स्किल के अंतर्गत आता है तो इसमें इसका क्या मीनिंग होता है ऑप्शन ए जो आपको बताया गया है इसमें है कि साउंड मैंने किसी की आवाज़ सुन के उस पर टारगेट करना उसको निशाना बनाना दूसरा है आपको स्मेल किसी की स्मेल मतलब सूंघ कर स्मेल करके उसको फील करके तब उस पर अटैक uh, करना या मतलब लक्ष्य बनाना देन ऑप्शन सी है आपको डिस्टेंस डिस्टेंस को uh, के अकॉर्डिंग आप उस पर टारगेट करो या डी नॉन ऑफ दी जिन इनमें से कोई नहीं तो आपको बताना है कि शब्द भेदी जो ट्रेक टेक्निक थी उसका क्या मीनिंग है राइट आंसर इज ऑप्शन ए एमिंग द टारगेट ऑन द बेसिस ऑन ऑफ इट्स साउंड मतलब आवाज़ सुनकर किसी भी चीज़ की साउंड सुनकर आवाज़ सुन पर उस पर अटैक करना उसको टारगेट बनाना तो ये जो टेक्निक थी ये आपको आता है आर्चरी स्किल के अंतर्गत ये आता है तो इसमें क्या है कि जो भी योद्धा थे वो आवाज़ सुनकर किसी की साउंड सुनकर किसी भी तरह के एनिमल्स या आवाज़ गाड़ी की आवाज़ किसी भी तरह के साउंड को सुनकर उस पर अटैक करते थे उसे अपना टारगेट बनाते थे तो ये भी एक स्किल था युद्ध करने का तरीका था जो कि चौहान डैनस्टी का यूज़ भी करते थे होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू इस वीडियो में मैंने चौहान डेन्स्टी हिस्ट्री की जो एस आपका पेपर है उससे सिर्फ चौहान डायनेस्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके इसमें आपको बताने की कोशिश की है तो इस सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो में दूसरे डायनेस्टी के विषय में अकॉर्डिंग जो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन हैं उसे मैं लेके आऊँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो